तेरह जून की सुबह दस ग्यारह के बजे हमको सूचना मिली थी एक आदमी आया था दिल्ली से कि जो ऐसे ऐसे उनके चोट लग गई फिर इतनी थोड़ी सी देर में पुलिस आ गई बस फिर क्या लगे क्या जो जो खत्म हो गए आपने भी युद्ध लड़ा है ऐसी बात नहीं है उन्होंने देश के लिए और आपने अपने बच्चों के लिए छोटे वाले बच्चे को तो समझ भी नहीं होगी नहीं कुछ भी नहीं ठीक से याद भी नहीं होगा कि पापा नहीं उसने कुछ कोई पता नहीं आदाब नमस्कार काल में उस्मान सेफी दोस्तों पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है आज़ादी के जो परवाने रहे हैं चाहे वो देश की आज़ाद कराने वाले रहे हों या आज़ादी के बाद में बहुत सारे जो सैनिक हैं उन्होंने अपने देश के लिए जान दी है शहीद हुए हैं चाहे बात उनकी हो हर कोई इस टाइम ऐसी गाथाएं गाए जा रही हैं सुनाई जा रही हैं तो ऐसे ही उत्तर प्रदेश का जो ज़िला बुलंदशहर है बुलंदशहर का एक गांव लगता है सैदपुर सैदपुर गांव की खास बात यह है कि यहाँ हर घर से ज़्यादातर घरों के अंदर जो लड़के हैं लड़कियाँ हैं वो फ़ौज में हैं अलग अलग फ़ौज में चाहे वो उत्तर प्रदेश पुलिस में हो पैरा मिलिट्री में हो आर्मी में हो सी में हो बी में हो तमाम इस तरह की फ़ोर्सों में हैं जी मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये एक सुरेंद्र सिंह अहलावत एक फ़ौजी रहे हैं जिन जिनका जो रेजिमेंट था वो राजपूताना राइफल्स में रहा था चार जून 1965 को उनका जन्म हुआ था लेकिन जब कारगिल का युद्ध चल रहा था कारगिल में ऑपरेशन विजय समय ट्रांस सेक्टर की तो लिंक पहाड़ियों पर दुश्मनों से लोहा लेते हुए पंद्रह यानी तेरह जून उन्नीस में को ये वीर गति को प्राप्त हो गए थे हम आज उन्हीं के घर पर चलेंगे उनके जो पत्नी हैं जिनका नाम है राजबाला उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि लगभग 24 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है उनको शहीद हुए तो उन्हीं की पत्नी से भी बात करेंगे तो चलिए हमारे साथ फिर चलते हैं सैदपुर एक ऐसा गांव है अगर हम इस गांव के किसी भी दरवाजे को खटखटाएंगे तो शायद हर घर से एक फ़ौजी निकलेगा और आज मैं ऐसे ही एक फ़ौजी रहे हैं सुरेंद्र सिंह जी उनके घर पर आया हूँ उनकी जो धर्मपत्नी जी हैं राजबाला जी आज उनसे मुलाकात करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है दरअसल साल उन्नीस में, में जब शायद इनकी उम्र 24 या 25 साल के आसपास की रही होगी उस वक्त एक ऐसी सूचना मिलती है जिस सूचना को सुनने के बाद शायद पूरी दुनिया इनकी हिल चुकी थी डुल चुकी थी नमस्ते मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है थोड़ा बताएँगे अपने बारे में कि आप कैसे मतलब एक फ़ौजी की पत्नी बनी शादी हो गई थी शादी से एक साल बाद सर्विस लगी थी इनकी कितने बच्चे थे तीन बच्चे हैं एक लड़की दो लड़के लड़की दस साल की थी बड़ा बेटा आठ का हा वो छः साल का था छोटा मैं तो बहुत छोटा था उस टाइम पे जब कारगिल का युद्ध चल रहा था तो ऐसे बताते हैं कि जहाँ जहाँ भी सैनिक थे पता चला कि छुट्टियाँ पे आए हुए हैं तो उन्हें एकदम से बुला लिया था कि आप जल्दी से आ जाइए तो ऐसे आपके घर की क्या स्थिति रही थी उस टाइम पर नहीं जी ये तो इनकी जो यूनिट थी वो वहाँ थी उसमें ग्वालियर ये वहाँ से बुलाए थे ये एक महीने दो महीने पहले छुट्टी आए थे आपको कौन से दिन ये सूचना मिली थी कि वहाँ कारगिल के युद्ध में जो आपके हसबेंड हैं वो शहीद हो गए नहीं ऐसा था कि देखो हम समाचार देखते थे ये तो हमने पता थी कि वहाँ युद्ध चल को और हमको जो है सोमवार के दिन तेरह जून की सुबह दस ग्यारह के बजे हमको सूचना मिली थी एक आदमी आया था दिल्ली से कि जो ऐसे ऐसे उनके चोट लग गई इतनी थोड़ी सी देर में पुलिस आ गई बस फिर क्या लगे क्या जो जो खत्म हो गए फिर बस फिर छः दिन बाद आए थे बच्चे ने कोशिश की लेकिन लग नहीं पाया मतलब कि उसके शायद कुछ कम नंबर कम रहे या कुछ भी तो डर नहीं लगा बिल्कुल भी कि नहीं अच्छा बिल्कुल तो भी, भी नहीं लगा हम भी यही कि भैया कोशिश करो कोशिश करो पर बस नंबर ही कम रह गए नहीं तो बिल्कुल चला जाता बाकी बहुत बड़ी बात है हिम्मत की बात है अपने को खोकर और उसके बाद फिर से खड़े होना नहीं खड़े ये है कि जब अब देश की सेवा नहीं करेंगे तो फिर क्या, क्या, क्या होगी पहले तो देश है छोटे वाले बच्चे को तो समझ भी नहीं होगी नहीं कुछ भी नहीं ठीक से याद भी नहीं होगा कि पापा नहीं उसने ने कुछ कोई पता नहीं वैसे थोड़ी सी ये पता है हाँ, मेरे पापा पर उस, उसने कोई मतलब ऐसा नहीं कि जो आके देखा था बहुत लंबा समय होता है मैं अगर देखूं तो चौबीस साल तो बीत गए चौबीस साल का समय आपने तो हजारों लाखों बार उनको याद किया होगा उनका क्या है वो बच्चे ना ऐसे रखते थे गाय बुला देते रेल की सीटी मार देते मतलब बहुत कुछ ऐसी बात करते बच्चों से तो बच्चे उनके चिपटे रहते थे <laughs> मतलब उन्होंने कुछ ऐसे सिग्नल दिए हुए थे बच्चों हाँ, को बहुत देख... याद करते हैं बच्चे अच्छा <laughs> बाद में बच्चों ने मेरी याद नहीं क्या होने की देखो याद तो करा बहुत याद करा हैं बच्चे बच्चे तो, बच्चे तो अब भी याद करते हैं कुछ और ये या बातें याद आ रही हों उनकी क्या आप कोई परेशान करते हैं जैसे जैसे बच्चों की बताया कि ये तो फिर ये कितना अच्छा माहौल रहता होगा कि वो आ रहे हैं और आने से पहले आ, ही आने से पहले बच्चे कोई इधर कंधे पे झूल रहा है कोई इधर कंधे पे झूल रहा है।, है मतलब बहुत बड़े बूढ़े से बहुत बात करे करते थे अच्छा। बहुत मिलनसार बहुत मिलनसार है सबसे मतलब बच्चों से और बड़ों से हाँ बड़े बूढ़े जी उनसे खड़े होकर बैठ के पूछना कोई दिक्कत नहीं मतलब बहुत बच्चों से और बड़े बूढ़े से बहुत प्यार था उन्होंने आपने भी युद्ध लड़ा है ऐसी पत्नी है उन्होंने देश के लिए और आपने अपने बच्चों के लिए वो भी जो मतलब और फिर माता ही वो उनसे बाद में फिर आठ नौ साल बाद वो खत्म हो गया कुछ इसी तरह की कहानियाँ हैं कहते हैं कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मिले वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा क्योंकि इन्होंने उनके साथ रही तेरह साल तक और किसी के अचानक से खबर आ जाए कि अब वो इस दुनिया में नहीं हैं सब्र यहाँ पर करना पड़ता है क्योंकि वो देश के लिए लड़े लेकिन बहुत सारी दिक्कतें बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं जो एक औरत को देखनी पड़ती हैं लेकिन उन्होंने अपने बच्चों के लिए जी और बच्चों को कामयाब किया और आज एक बढ़िया एक अच्छे माहौल में रह रही हैं और उनकी खुद की भी कोशिश यही रही कि अपने बच्चों को भी आर्मी में भेजें लेकिन अब अपने बच्चों को ना भेज सकें तो पोती पोतों को जरूर हाँ जी पोता तो मेरा कोशिश करता है से अच्छा हाँ गन लेता है बाबा कितनी गन चलाऊँगा तो अब पोती पोतों को भेजने की तैयारी है एक बेटे की शादी हो चुकी है हर दूसरे की तैयारी है जब भी शादी होंगी बच्चे होंगे तो आर्मी में जरूर भेजेंगे या और भारत की कोई सेना होगी तो उसमें भेजेंगे उम्मीद करता हूँ कि एक शहीद की वीरांगना से बात करके आपको अच्छा लगा होगा आप सब लोग अपना ख्याल रखें सुरक्षित रहें जय हिंद जय जै भारत